देखो दोस्तों, अभी तक एड्स ने WWE में अपना रिटर्न नहीं किया है, लेकिन फिलहाल एड्स के रिटर्न प्लान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ समर स्लैम 2022 की टिकट सेलिंग की बात हम इस वीडियो में कर लेंगे कि समर स्लैम अभी तक सोल्ड आउट हुआ है या नहीं। इसी के साथ साशा बैंक्स एंड नियोमी के रिटर्न पर बड़ी अपडेट सामने आई है, एंड ड्रू मैकइंटायर एंड बॉबी लेस्ली के ऊपर बड़ी अपडेट है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो काफी मसालेदार होगी, इसे लाइक कर दो एंड इसे एंड तक देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं एड्स के रिटर्न प्लान से। तो दोस्तों, पीडब्ल्यू इनसाइडर के मुताबिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए मंडे नाइट रो में WWE एड्स एंड उनकी वाइफ बेथ फिनिक्स का रिटर्न करवाना चाहती थी, क्योंकि WWE जजमेंट डे वर्सेस एड्स एंड उनकी वाइफ के बीच मिक्स्ड टेक टीम मैच शायद समर स्लैम के लिए बुक करना चाहती थी। लेकिन विंस मैकमैन की अचानक रिटायरमेंट ने इस मैच को कैंसिल कर दिया। इसी के साथ WWE ने एड्स के रिटर्न को होल्ड पर रख दिया, और अब रूमर्स आ रहे हैं कि समर स्लैम में एड्स अपना रिटर्न करके जजमेंट डे पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असल रिपोर्ट के मुताबिक समर स्लैम के बाद एड्स अपना रिटर्न WWE में कर लेंगे, लेकिन असल प्लान ये था कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एड्स अपना रिटर्न कर लें, लेकिन विंस मैकमैन की रिटायरमेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैसे दोस्तों, आप लोग एड्स का रिटर्न किस गिमिक में देखना पसंद करोगे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे WWE काफी टाइम से एड्स को लेकर डार्क करेक्टर टीज कर रही है, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट है कि एड्स रेटेड आर सुपरस्टार की गिमिक में अपनी वापसी करेंगे। तो आप लोग जल्दी से एड्स के रिटर्न पर अपने थॉट्स जरूर लिखना। बात कर लेंगे अगली अपडेट की। तो समर स्लैम 2022 साल का सेकेंड बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, जिसे WWE निशान स्टेडियम नेशविल में करवाएगी, और इवेंट की टिकट सेलिंग को लेकर 23 जुलाई 2022 को लास्ट अपडेट सामने आई थी। समर स्लैम के लिए टोटल क्राउड की कैपेसिटी है 36,895, जिसमें से 31,834 टिकेट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं, और अभी भी 5,061 टिकेट्स सेल होना बाकी हैं। वैसे दोस्तों, ये रिपोर्ट 23 जुलाई 2022 की है, एंड आई थिंक सो कि अभी तक समर स्लैम पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका होगा। वैसे किसी तरह की अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है बिग ई से। तो मार्च 11 2022 में बिग ई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इंजर्ड हुए थे, जिसके बाद से वो WWE से बाहर हैं, और फिलहाल बिग ई ने अच्छी खासी रिकवरी कर ली है। लेकिन मार्च 2023 तक बिग ई रसल नहीं कर सकते, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बिग ई ने MMA आवर के साथ कन्वर्सेशन में बताया कि WWE उन्हें स्टिल पेड कर रही है, उनकी सैलरी दे रही है, और उनकी नेक इंजरी पर जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब WWE ने पे करे हैं, और WWE ने बिग ई की बहुत अच्छी केयर करी है। तो ये अपडेट बिग ई के फैंस के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। वैसे आई होप कि बिग ई रसलमेनिया 39 तक अपना रिटर्न WWE में जरूर कर लेंगे। बात कर लेंगे अगली अपडेट की। तो अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, डेव मेल्टर ने बताया है कि विंस मैकमैन के जाने के बाद WWE में साशा बैंक्स एंड नियोमी को वापस लाने के लिए अटेम्प्ट किए गए हैं, और अभी तक ये कन्फर्म तो नहीं हुआ कि साशा बैंक्स एंड नियोमी किस डेट तक अपना रिटर्न WWE में कर लेगी। लेकिन ट्रिपल एच बहुत जल्द साशा बैंक्स एंड नियोमी को WWE विमेन्स टेक टीम टाइटल्स के साथ वापस WWE में लाने वाले हैं। तो ये न्यूज काफी खास है, क्योंकि ब्रोक लेसनर भी स्मैकडाउन में वॉकआउट हुए थे, लेकिन ब्रोक लेसनर की डिमांड है, इसलिए WWE को अपना सर झुकाना पड़ा और ब्रोक लेसनर को वापस लाना पड़ा। लेकिन नियोमी एंड साशा बैंक्स को WWE ने इनडेफिनेटली टाइम तक सस्पेंड कर दिया, उन्हें सजा दे दी, लेकिन फाइनली ट्रिपल एच साशा बैंक्स एंड नियोमी को बहुत जल्द WWE में वापस लेकर आएंगे।
और बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में। तो बॉबी लेस्ली ने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ड्रू मैकइंटायर को लेकर बॉबी लेस्ली ने कन्वर्सेशन की। लेस्ली ने बताया कि ड्रू मैकइंटायर रेसलिंग बिजनेस में लेस्ली के फेवरेट पर्सन है। अगर आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो ड्रू मैकइंटायर वो रेसलर है जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर की फिजिक्स, हाइट सब कुछ परफेक्ट है और ड्रू मैकइंटायर WWE को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो भाई कुल मिलाकर बॉबी लेस्ली ने काफी सही बात बोली है। वैसे आप लोग ड्रू मैकइंटायर को WWE में किस लेवल पर देखते हो? टॉप लेवल पर, मिड लेवल पर या फिर अंडर लेवल पर? किस लेवल पर देखती हो कमेंट करके मेंशन कर सकती हो। इसके अलावा दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने रसलमेनिया 36 को लेकर एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट रिवील करा है जिसके लिए ड्रू मैकइंटायर भी अफ्रेड थे उस टाइम में। तो हम सबको पता है कि रसलमेनिया 36 COVID-19 की वजह से WWE परफॉर्मेंस सेंटर में बिना ऑडियंस, बिना फैंस के हुआ था, जिसकी वजह से WWE ने रसलमेनिया 36 को 1.5 से 6 दिन पहले टेप कर लिया और फिर WWE रसलमेनिया 36 को लेकर मीडिया हैंडल करने लगी, जिसमें ड्रू मैकइंटायर से रसलमेनिया 36 को लेकर बड़ा सवाल किया गया और ड्रू मैकइंटायर के दिमाग में चल रहा था कि मैच तो हो चुका है जिसमें उनकी जीत हुई है, लेकिन फिर भी मैच बिना ऑडियंस के हुआ था। तो ड्रू मैकइंटायर को WWE पर पूरा विश्वास नहीं था कि कहीं WWE उस मैच को एडिट ना कर दे और क्या पता उन्हें दोबारा ब्रोक लेसनर के साथ डेट के दिन मैच लड़ना पड़े। लेकिन जब रसलमेनिया 36 की डेट आई और वो मैच टीवी पर टेलीकास्ट हुआ, तब ड्रू मैकइंटायर को रियलाइज हुआ कि हाँ, अब वो WWE चैंपियन बन चुके हैं, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड उस मैच को फैंस ने देखा था। तो कुल मिलाकर ड्रू मैकइंटायर काफी नर्वस थे रसलमेनिया 36 के टाइम में अपने मैच को लेकर, और वो उस मैच के लिए प्री मीडिया हैंडल कर रहे थे जो कि ऑलरेडी टेप हो चुका था जिसमें उनकी जीत हुई थी। और यहां पर ड्रू मैकइंटायर ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे साथ शेयर करा है। तो बस ये थी अपडेट की वीडियो। आई नो की वीडियो में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना एंड कमेंट करके दोस्तों अपने थॉट्स इन अपडेट्स पर जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट रेसलिंग न्यूज इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।